सिनेमाघर सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को अंजू पांडे का सप्रेम नमस्कार। आज के सिनेमाघर में हम आपके लिए लाए हैं फिल्म परख, जो कि रिलीज हुई थी वर्ष 1960 में। दोस्तों, यूं तो परख नाम से कुल चार फिल्में बनी हैं, जिनमें चौथी फिल्म थी वर्ष 1980 में बनी फिल्म परख, लेकिन किन्हीं कारणों से ये रिलीज नहीं हो पाई। इस नाम से पहली फिल्म बनी वर्ष 1937 में द्वारिका पिक्चर्स के बैनर तले, दूसरी फिल्म वर्ष 1944 में सेंट्रल स्टूडियो के बैनर तले बनी, जिसका निर्देशन किया था सोहराब मोदी ने। वर्ष 1960 में जो फिल्म बनी परख, जिसके निर्माता निर्देशक हैं बिमल रॉय, आज के सिनेमाघर में उसी फिल्म की कहानी और गीत हम लाए हैं। दोस्तों, बिमल रॉय किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वे जाने जाते हैं अपनी यथार्थवादी और समाजवादी फिल्मों के लिए, जैसे दो बीघा जमीन, परिणीता, विराज बहू, मधुमति, सुजाता, परख, बंदिनी, इसी तरह की बहुत सी फिल्में हैं। अपने फिल्मी सफर में बिमल रॉय को अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया, जिनमें 11 फिल्म फेयर अवार्ड और 2 नेशनल फिल्म अवार्ड भी सम्मिलित हैं। फिल्म परख का संगीत तैयार किया सलील चौधरी ने, उन्होंने ही इस फिल्म की कहानी भी लिखी है। सलील चौधरी जितने उत्तम संगीतकार थे, उतने ही अच्छे कहानीकार भी थे। बिमल रॉय पहले भी सलील चौधरी की कहानी रिक्शा वाला पर एक फिल्म बना चुके हैं, जो थी 2 बीघा जमीन। फिल्म परख के गीतकार हैं शैलेंद्र। शैलेंद्र ने ही इस फिल्म के संवाद लेखन का भी काम किया है। फिल्म परख की प्रेरणा बिमल रॉय को एक विदेशी फिल्म से मिली थी, जिसमें एक अमीर विधवा बहुत वर्षों बाद अपने देश लौटती है और अपने लिए एक योग्य वर की तलाश करती है। उसकी दौलत को देखकर बहुत सारे व्यक्ति दौलत पाने के लिए कई तरह के तिगड़म लगाते हैं और खुद को श्रेष्ठ साबित करने की चेष्टा करते हैं। कुछ इसी तरह की कहानी है फिल्म परख की, जिसमें एक चेक पाने के लिए लोग तरह तरह की तिगड़म लगाते हैं। दोस्तों, इस फिल्म में चुनावी तंत्र पर कटाक्ष किया गया है, जिस तरह से अधिक वोट पाने के लिए नेता लोक लुभावन वायदे करते हैं, उसी तरह से फिल्म में एक चेक पाने के लिए कुछ लोग अपने को श्रेष्ठ साबित करने में लगे हैं। कहानी है राधानगर गांव के एक छोटे से पोस्ट ऑफिस से शुरू होने वाली। इससे पहले कि हम कहानी शुरू करें, आपको बता देते हैं मुख्य कलाकारों के बारे में। फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं साधना, बसंत चौधरी, मोतीलाल, नजीर हुसैन, लीला चिटनिस, दुर्गा खोटे, जयंत, कन्हैया लाल, असित सेन, केशतु मुखर्जी, राशिद खान, हरी शिवदासानी और मोनी चटर्जी ने। इनके साथ और भी बहुत से कलाकार हैं। फिल्म की शुरुआत होती है कास्टिंग से, जहां सबसे पहले स्क्रीन पे अभिनेत्रियों के नाम आते हैं और उसके बाद नाम आते हैं अभिनेताओं के। पहले सीन में एक 8-10 साल का बच्चा अपना सबक याद कर रहा है, तभी एक व्यक्ति पीठ पर बोझ लादे आता है, जो कि लंगड़ा रहा है, और उस बच्चे से कहता है कि अपनी दीदी से एक कड़क चाय बनाने को कह दे। बच्चा उठकर अंदर चला जाता है। पीठ पर बोझ लादे व्यक्ति अभिनेता मोतीलाल हैं, जो कि फिल्म में लंगड़े डाकिया हराधन का रोल कर रहे हैं और सर जेसी रॉय की भी भूमिका में हैं। हराधन पीठ पर लादा बोझ अंदर जाकर जमीन पर पटक देता है। वो वहां पे सारी चिट्ठियां उड़ेल देता है, जो कि लोगों द्वारा डाक में भेजी गई हैं। डाकघर में पोस्टमास्टर बैठे हैं, जो कहते हैं आज तो बहुत ज्यादा डाक आई है। पोस्टमास्टर निवारण के किरदार में है अभिनेता नासिर हुसैन। हराधन निवारण बाबू से कहता है कि रोज इतनी चिट्ठियां आती हैं, लेकिन आपकी चिट्ठी कभी नहीं आई,
इस पर निवारण बाबू कहते हैं, मुझे कौन चिट्ठी लिखेगा, हमारा है ही कौन। तब हराधन कहता है, मैं छुट्टी लेकर दूर जाऊंगा और वहां से आपको चिट्ठी लिखूंगा। तभी निवारण बाबू की सुपुत्री सीमा वहां आती है और उनसे कहती है कि पिताजी आपको माँ ने अंदर बुलाया है। निवारण बाबू अंदर चले जाते हैं। सीमा की भूमिका में है अभिनेत्री साधना। अब सीमा चिट्ठियों पर स्टैंप लगाने लगती है। तभी हराधन सीमा से पूछता है कि अरे मेरी चाय का क्या हुआ। सीमा उदास स्वर में कहती है, शक्कर नहीं है। हराधन कहता है, अरे मुझे क्यों नहीं बताया, मैं शक्कर ले आता। इतना कहकर वो शक्कर लेने चला जाता है। तभी वहां स्कूल मास्टर रजत मनी ऑर्डर करने आता है। रजत के रोल में फिल्म में है अभिनेता बसंत चौधरी। सीमा को वहां देखकर रजत कहता है कि अगर ऐसा पोस्टमास्टर मिल जाए तो हर रोज मनी ऑर्डर करूं। सीमा उसकी चुटकी लेती है, कहती है कि 60 रुपल्ली के तो मास्टर हो, रोज मनी ऑर्डर कहाँ से करोगे। इस पर रजत चुप हो जाता है। तभी वहां अभिनेता कन्हैया लाल आते हैं, जो कि पंडित तर्कलंकार के रोल में हैं। वो शक भरी नजरों से सीमा और रजत की ओर देखने लगते हैं। रजत वहां से चला जाता है। हराधन चीनी लेकर आता है और सीमा को देता है। सीमा चाय बनाने अंदर चली जाती है। हराधन और पंडित तर्कलंकार में बहस हो जाती है। तभी पोस्टमास्टर निवारण वहां आ जाते हैं। वो हराधन और पंडित तर्कलंकार की बहस खत्म कराते हैं। पंडित जी वहां से नाराज होकर चले जाते हैं। निवारण बाबू हराधन को समझाते हैं कि इतने बड़े लोगों के मुंह नहीं लगा करते, हमें इनकी इज्जत करनी चाहिए। सीन बदलता है। तालाब पर नहाने और पानी भरने के लिए जाती है सीमा। वहां हरिहर भंज यानी कि भंजू बाबू यानी कि असित सेन है भंजू बाबू की भूमिका में। नाम है उनका हरिहर भंज, लेकिन उन्हें लोग भंजू बाबू कहते हैं। वो वहां पर मछली पकड़ने के लिए कांटा लगाए बैठे हैं। इस वजह से सीमा नहा नहीं पाती, सिर्फ पानी भरकर वापस जाने लगती है। इधर रजत अपने स्कूल के बच्चों को साथ लेकर गांव और आसपास की सफाई में लगा है, ताकि मच्छरों की रोकथाम हो और मलेरिया ना फैले। इस क्रम में एक छोटे से तालाब को पाटा जा रहा है, जो भंजू बाबू का तालाब है। जब ये बात भंजू को पता चलती है तो रजत और स्कूल के बच्चों को धमका कर वहां से भगा देता है। इधर पोस्टमास्टर निवारण ने अपनी बड़ी बेटी के विवाह में एक साल पहले जो कर्ज लिया था, उसे वो अब तक चुका नहीं पाए हैं। उनको इस परेशानी में देखकर पंडित तर्कलंकार फायदा उठाता है और निवारण बाबू से की बेटी सीमा से भंजू की शादी की बात चलाता है। निवारण बाबू समझ जाते हैं कि ये किसके फायदे की बात कर रहा है। पंडित कहता है कि भंजू बाबू बहुत पैसे वाले हैं, तुम्हारा सारा कर्जा उतार देंगे। लेकिन निवारण बाबू राजी नहीं होते। दरअसल हरिहर भंज और पंडित तर्कलंकार में खूब गाढ़ी छनती है। भंजू बाबू विधुर हैं और उम्र में कुछ ज्यादा हैं, पैसे वाले हैं और सीमा से शादी की इच्छा रखता है। उधर सीमा स्कूल मास्टर रजत के प्रेम में डूबी हुई है। मिला है किसी का झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे मीतल, हो सच्चे मोती वाला झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे मीतल, सुनो क्या कहता है झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे मीतल, मिला है किसी का झुमका। Oh, 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 oh
सपने जो देखे मुझे भूल गए ना। प्यार का हिंडोला यहाँ झूल गए ना। सपने जो देखे मुझे भूल गए ना। हाय रे बेचारा झूमता गाना खत्म होता है तो सीमा देखती है कि रजत सामने के तालाब से निकल रहा है। रजत पानी में डुबकी लगाए सीमा का गाना सुन रहा था। पंडित तर्कलंकार उन दोनों को बात करते देख लेता है। सीन बदलता है। पोस्ट ऑफिस में पोस्टमास्टर निवारण बाबू और डाकिया हराधन बैठे हैं। तभी हराधन एक चिट्ठी उठाता है और उस पर लिखा पता पड़ता है, पोस्टमास्टर राधा नगर। हराधन खुशी से उछल पड़ता है। वो निवारण बाबू से कहता है, राधा नगर के पोस्टमास्टर तो आप ही हैं, आखिर आपके नाम की चिट्ठी आ ही गई, खोल कर देखो ना किसकी चिट्ठी है। निवारण बाबू कहते हैं, खोल कर क्या देखना, मैं जानता हूं किसकी चिट्ठी है। बगल के गांव के भुजबल के कुछ रुपए बाकी थे, उसने नालिश करने की धमकी दी थी, उसी के वकील का नोटिस होगा। निवारण बाबू को लगता है कि उसने बड़ी बेटी के विवाह में भुजबल से जो पैसे उधार लिए थे, उसी के लिए भुजबल ने वकील के जरिए नोटिस भेजा है। वो चिट्ठी को किनारे रख देता है और अपना काम करने लगता है। हराधन बहुत जोर देता है कि पढ़कर तो देख लो क्या लिखा है। निवारण जब चिट्ठी खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसमें चिट्ठी के साथ एक 5 लाख का चेक था। उस रात पोस्टमास्टर बाबू बेचैनी के मारे सो नहीं पाए। पत्नी ने बेचैनी का कारण पूछा तो उसे भी कुछ नहीं बता पाए। निवारण बाबू की पत्नी के रोल में है अभिनेत्री लीला चिटनिस। जैसे तैसे निवारण बाबू ने रात काटी और सुबह पहुंच गए जमींदार राय बहादुर तांडव की कोठी पर। जमींदार राय बहादुर तांडव के किरदार में हैं अभिनेता जयंत। जमींदार ने पूछा, कहो क्या काम है? तो पोस्टमास्टर निवारण ने हिचकते हुए कहा, जी एक चिट्ठी आई है, आपसे सलाह लेनी है। जमींदार तांडव ने कहा कि चिट्ठी तुम्हारे नाम से आई है, उसका हमसे क्या वास्ता? निवारण बाबू बोले, चिट्ठी ही कुछ ऐसी है कि गांव के 5 आदमी इकट्ठा हों तो कुछ बोलूं। तब फैसला ये होता है कि पोस्टमास्टर निवारण 5 लोगों को इकट्ठा करके जमींदार की कोठी पर लाएंगे। इस तरह से पोस्टमास्टर निवारण निकल पड़ते हैं लोगों को इकट्ठा करने। सबसे पहले निवारण बाबू डॉक्टर के दवाखाने पर
पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर तो अभी नहीं है लेकिन कंपाउंडर फीस के लिए मरीजों के साथ बदसुलूकी कर रहा है। कंपाउंडर के किरदार में है केशटो मुखर्जी। कंपाउंडर पोस्टमास्टर निवारण को बिठाता है, तभी डॉक्टर यानी कि राशिद खान आ जाते हैं। एक मरीज डॉक्टर के आगे हाथ जोड़ता है, अपनी बेटी के लिए दवा मांगता है। चूंकि उसके पास पैसे नहीं हैं तो दवा उसे बिना पैसों के ही चाहिए। उसकी बेटी बहुत बीमार है लेकिन पैसे न होने के कारण डॉक्टर उसे फटकार लगाकर भगा देता है। निवारण बाबू ये सब देख रहे हैं। वो डॉक्टर को जमींदार की कोठी पर आने के लिए कहकर पंडित को बुलाने मंदिर पहुंचते हैं। जब वो मंदिर पहुंचते हैं तो देखते हैं वही आदमी जो डॉक्टर से दवा की भीख मांग रहा था, अब भगवान के मंदिर में आकर अपनी बेटी के लिए प्रार्थना कर रहा है। वो आदमी बाहर ही माथा टेके हुए है लेकिन पंडित भी उसे फटकार कर वहां से भगा रहा है कि ये चरणामृत मांग रहा है, अभी आरती ही नहीं हुई, पूजा नहीं हुई तो चरणामृत कहां से मिलेगा, भाग जा यहां से। पोस्टमास्टर निवारण पंडित को भी जमींदार तांडव की कोठी पर आने के लिए कहते हैं। अगले सीन में पंडित तर्कलंकार जमींदार तांडव के घर पहुंचते हैं और अपनी लगाई बुझाई वाली आदत के अनुरूप पंडित जमींदार से सीमा और रजत के बारे में बात करते हैं। तभी भंजू भी वहां आ जाता है, वो भी पंडित तर्कलंकार के बोल से अपने बोल मिलाने लगता है। लोगों को पोस्टमास्टर निवारण ने बुलाया जिन लोगों को पोस्टमास्टर निवारण ने बुलाया था सब धीरे धीरे इकट्ठा होने लगते हैं जमींदार तांडव के घर पर, जिनमें पंडित तर्कलंकार और भंजू बाबू के साथ स्कूल मास्टर रजत और डॉक्टर भी हैं। पोस्टमास्टर निवारण सबके सामने चिट्ठी पढ़ना शुरू करते हैं। चिट्ठी किसी सर जेसी रॉय ने भेजी है, जिनके पूर्वज इसी गांव के थे। निवारण बाबू को रात में चिट्ठी के अक्षर सही से सूझ नहीं रहे थे, इसीलिए वो रजत को चिट्ठी पढ़ने के लिए कहते हैं। रजत चिट्ठी पढ़ता है जो कि इस तरह है। माननीय महोदय, राधानगर मेरा जन्म स्थान है और मेरे पूर्वज भी वहीं के थे। आज से 30 साल पहले जब जमींदार के जुल्मों से तंग आकर मेरे माता पिता ने गांव छोड़ दिया था तब मैं बहुत छोटा था। शहर आकर परमेश्वर की कृपा से उन्होंने व्यापार शुरू किया जिसमें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हुई। अंतिम वर्षों में मेरे पिताजी की इच्छा थी कि गाँव की उन्नति के लिए कुछ दान किया जाए, पर अचानक उनका देहांत हो गया और उनकी वो इच्छा उनके जीवन काल में पूरी ना हो सकी। जो वो नहीं कर सके वही मैं अपनी प्यारी माँ के आदेश से करना चाहता हूँ। गांव की उन्नति के लिए कुछ रुपए मैं चिट्ठी के साथ भेज रहा हूँ। गांव में मैं तो किसी को पहचानता नहीं, क्योंकि आप राधानगर के पोस्टमास्टर हैं इसलिए आपका सहारा ले रहा हूँ। आपकी नज़रों में जो गांव का सबसे ज़्यादा ईमानदार और योग्य आदमी हो आप उसे आप ये रकम गांव की भलाई के लिए सौंप दें। नतीजा जो भी हो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। खास कारणों से मैं खुद राधानगर ना आ सका, समय मिलने पर ज़रूर आऊँगा। आपका जगदीश चंद्र राय। और चिट्ठी के साथ एक 5 लाख रुपये का चेक है। 5 लाख की रकम सुनकर सबके होश फाख्ता हो गए। पहले तो पंडित तर्कलंकार ऐसा जाहिर करते हैं कि वो जगदीश चंद्र राय को जानते हैं जब वो छोटे थे तब से, लेकिन उनकी सारी बातें फेल हो जाती हैं।
पंडित तर्कलंकार की राय है कि चेक जमींदार तांडव तरफदार को सौंप दिया जाए, लेकिन स्कूल मास्टर रजत राय देता है कि जनतंत्र है तो जहां जनता की राय जरूरी है। रजत कहता है कि इस चिट्ठी के मुताबिक चुनाव में वही लोग खड़े हो सकेंगे जिन्हें पोस्टमास्टर साहब नामजद करेंगे। पोस्टमास्टर उन्हीं 5 लोगों को चुनाव में खड़े होने की सहमति दे देते हैं, यानी कि जमींदार तांडव तरफदार, पंडित तर्कलंकार, हरिहर भंज, डॉक्टर और स्कूल मास्टर रजत चुनाव में खड़े होंगे। तय होता है कि जिस दिन चिट्ठी पढ़ी गई है उससे ठीक 25 दिन बाद 1 तारीख को, अगले महीने की 1 तारीख को चुनाव होगा। लेकिन रजत कहता है कि बड़े बूढ़ों के बीच मेरा आना शोभा नहीं देगा, इसलिए मैं अपना नाम वापस लेता हूँ। ये बात सुनते ही बाकी चारों बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन सब में गांव वाले स्कूल मास्टर रजत को ही सबसे ज़्यादा चाहते थे, तो उन्हें लगता है कि ये हट जाएगा तो हमारा रास्ता थोड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन पोस्टमास्टर निवारण रजत से कहते हैं कि गांव के नौजवानों की तरफ से तुम्हारा खड़ा होना बहुत जरूरी है, जब तक चुनाव नहीं हो जाता तब तक चेक निवारण बाबू के पास रहना तय हुआ। अगले सीन में निवारण बाबू खुशी खुशी घर पहुंचते हैं और अपनी पत्नी को सारी बात बताते हैं और सीमा से कहते हैं कि मुझे चाय पिलाओ। चाय की बात सुनकर उनकी पत्नी समझ जाती हैं कि निवारण बाबू बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन जब उनको सारी बात पता चलती है कि चेक के लिए चुनाव होगा तो निवारण बाबू पर बहुत नाराज़ होती हैं। उन्हें लगता है कि हमारे पास भी कहाँ पैसे हैं, अभी बेटी की शादी करनी है, कर्जा उतारना है, तो इन्होंने अपने लिए क्यों नहीं पैसा रखा। अगले दिन पोस्टमैन हराधन ने पोस्टमास्टर निवारण से अपनी माँ से मिलने के लिए छुट्टी मांगी। पोस्टमास्टर बाबू ने उसे छुट्टी दे दी। अगले सीन में पर्दे पर एक आलीशान बंगला दिखाया जाता है जहां एक शानदार गाड़ी आकर रुकती है। बंगले के गेट पर लिखा है सर जेसी रॉय। हराधन गाड़ी में से उतरता है और लंगड़ाता हुआ बंगले में दाखिल होता है, फिर कुछ सोचकर दोनों पैरों पर ठीक से चलने लगता है। तब पता चलता है कि हराधन ही सर जेसी रॉय हैं। बंगले के अंदर बहुत सारे नौकर चाकर हैं जो हाथ जोड़े सर झुकाए उसके सामने खड़े हैं। सर जेसी रॉय को उसकी माँ देखती है तो उसके पास आती है और अपने बेटे का ये रूप देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वो हराधन के ही भेष में वहां गया था। माँ के किरदार में है अभिनेत्री दुर्गा खोटे। अपनी माँ से वो राधानगर की सारी कहानी सुनाता है। उसकी माँ कहती है कि तुम इस भेष में मत रहो, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारे पिताजी भी इसी तरह से गांव से आए थे। लेकिन वो हंसने लगता है, वो कहता है कि मैंने तो सिर्फ भेष बदला है माँ, गांव वालों की बात जानने के लिए। एक दिन की छुट्टी के बाद वो वापस हराधन के भेष में राधानगर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर हराधन को गांव का माहौल बदला हुआ लगता है। डॉक्टर घूम घूम कर मुफ्त में लोगों को का इलाज कर रहा है। जमींदार ने लगान माफ कर दिया है सबका और भंजू बाबू नई सड़कें और पक्के तालाब बनवाने की बात कर रहे हैं। पंडित जी भगवान से सबकी बुराई कर रहे हैं और अपनी पैरवी लगा रहे हैं। जमींदार ने रजत से कहा कि गांव की छोटी सी लाइब्रेरी को खूब बड़ी लाइब्रेरी बना दो, और इसी तरह के कई काम उन्होंने गिनवा दिए। रजत से जमींदार ने कहा कि तुम मेरे साथ रहो और चुनाव से अपना नाम वापस ले लो।
लेकिन रजत इस बात के लिए राजी नहीं होता। वो कहता है कि मुझे पोस्टमास्टर साहब से पूछना पड़ेगा। अगले सीन में बाजार में कुछ लोग बैठे हैं और चर्चा कर रहे हैं कि अचानक जमींदार डॉक्टर सब गांव वालों की भलाई करने लगे हैं, पता नहीं क्या हो गया है। तभी हराधन वहां पहुंच जाता है और सारी बात उन्हें बताता है कि भैया ये सब चुनाव का मामला है, इसीलिए सबको अपनी ओर करने की कोशिश कर रहे हैं। हवा चली बाबा रुत बदली, ओ बाबा क्या हवा चली दे बाबा रुत बदली। शोर है गली गली, सौ सौ चूहे खाए के बिल्ली हज को चली। क्या हवा चली बाबा रुत बदली। शोर है गली गली, सौ सौ चूहे खाए के बिल्ली हज को चली। क्या हवा चली बाबा, ओ बाबा रुत बदली, ओ बाबा। पहले लोग मर रहे थे भूख से अभाव से, पहले लोग मर रहे थे, पहले लोग मर रहे थे भूख से अभाव से। अब कहीं ये मर न जाए अपनी खाओ खाओ से। अरे मीठी बात कड़वी लगे गालियां भली। क्या हवा चली, क्या हवा चली रे बाबा रुत बदली। शोर है गली गली, सौ सौ चूहे खाए के बिल्ली हज को चली। क्या हवा चली अब्बा। आज तो जहान की उल्टी हद एक बात है, उल्टी हद एक बात है। अरे हम जो कहे दिन है भाई, लोग कहे रात है, लोग कहे रात है। रेत में भी खिल रही है प्यार की कली। क्या हवा चली, क्या हवा चली रे बाबा रुत बदली। शोर है गली गली, सौ सौ चूहे खाए के बिल्ली हज को चली। क्या हवा चली अब्बा। आम में उगे खजूर, नीम में फले हैं आम। आम में उगे खजूर, आम में उगे खजूर, नीम में फले हैं आम। डाकुओं ने जोग लिया, चोर भजे राम नाम। अरे होश की दवा करो मियां फजल अली। क्या हवा चली, क्या हवा चली दे बाबा रुत बदली। शोर है गली गली, सौ सौ चूहे खाए के बिल्ली हज को चली। क्या हवा चली बाबा, ओ बाबा रुत बदली, ओ बाबा। इस फिल्म के सभी गीत लता मंगेशकर ने गाए हैं, सिर्फ यही एक गाना था जो मन्ना डे ने गाया है। फिल्म में सीन बदलता है। रजत स्टेशन पर अपना पार्सल लेने गया है। उसकी कुछ किताबें आने वाली थी जो कि रेल से आनी थी, तो वो स्टेशन पर पहुंच जाता है। स्टेशन मास्टर से पूछता है कि मेरा पार्सल आया है, और स्टेशन मास्टर मना कर देते हैं कि पार्सल अभी नहीं आया है, एक गाड़ी आने वाली है तो मुझे थोड़ा काम है। उसका पार्सल तो नहीं आता, लेकिन अगली गाड़ी से जमींदार तांडव की साली ट्रेन से आती है, जिसे लेने के लिए कोई स्टेशन पर नहीं आया है।
ये देखकर वो बहुत नाराज होती है और स्टेशन मास्टर से ही अपना सामान ट्रेन से उतरवाती है। अब स्टेशन मास्टर भी बड़े असमंजस में हैं कि क्या करें, तो वो रजत से कहते हैं कि शाम हो गई है और तुम गांव ही जा रहे हो, तो इसको भी लेते जाओ और इनको जमींदार के घर छोड़ देना। रजत के साथ मरता क्या ना करता वाली बात थी, तो वो अपनी साइकिल उठाता है और साथ साथ में जमींदार तांडव की साली जिसका नाम है अजंता, उसको भी अपने साथ लेकर के चलता है। अजंता के रोल में है अभिनेत्री निशी। वो गांव में ले जाकर उसे जमींदार का घर दिखा देता है। जमींदार के घर में जब साली साहिबा पहुंचती हैं तो बहुत ही आग बबूला होती हैं कि मुझे कोई लेने नहीं आया, और जमींदार तांडव की पत्नी भी उन पर बहुत नाराज होती हैं कि उनकी बहन को कोई लेने स्टेशन नहीं गया, घर में गाड़ी होने का फायदा क्या है। तांडव की पत्नी के रोल में है मुमताज बेगम। गांव में चुनाव की हवा है। पंडित तर्कलंकार, हरिहर भंज, डॉक्टर साहब सब एक दूसरे से होड़ में लगे हुए हैं। जमींदार की मॉडर्न साली अजंता रजत पर फिदा है, क्योंकि रजत उसे अपने साथ लेकर आया था। पहले तो वो रजत की बहुत बुराई करती है, लेकिन बाद में वो उस पर फिदा हो जाती है और येन केन प्रकारेण वो उसको अपनी तरफ करना चाहती है, लेकिन रजत उससे दूर दूर रहता है। वो रजत को अपने जन्मदिन पर निमंत्रण भेजती है और चाय पर बुलाती है, लेकिन रजत वहाँ नहीं जाता। सीमा रजत के घर आती है और उस समय सीमा को वो मनगढ़ंत कहानी सुनाता है। वो जमींदार की साली अजंता की झूठी तारीफ करता है और कहता है कि उसने मुझे अपने यहाँ निमंत्रण दिया था जन्मदिन पर, और अपने हाथ से सारा खाना बनाया था। अंग्रेजी खानों के नाम गिनवाता है और सीमा से कहता है कि तुम नहीं समझोगी, ये सब अंग्रेजी खाने हैं। सीमा बेचारी बहुत निराश हो जाती है, उसे लगता है कि रजत अजंता की ओर आकर्षित हो रहा है। लेकिन तभी दो व्यक्ति आते हैं जो कि स्कूल मास्टर रजत को ढूंढते हैं, उसके घर आ जाते हैं। वहाँ सीमा होती है। रजत उनकी आवाज़ सुनकर छुप जाता है और सीमा से कहता है कि उन्हें बोल देना कि मैं यहाँ नहीं हूँ। सीमा ऐसा ही करती है, कहती है कि मास्टर जी तो है नहीं। वो व्यक्ति मानते नहीं हैं, अंदर आकर के देखते हैं लेकिन रजत उनको कहीं नहीं दिखता, तो वो वापस चले जाते हैं। उन्हें जमींदार ने भेजा था रजत को बुलाने, चूँकि साली का जन्मदिन था तो, और वो लोग रजत का इंतजार कर रहे थे। तब सीमा को समझ में आता है कि रजत ने उससे सारी बातें झूठी बोली हैं उसे चिढ़ाने के लिए, और वो अजंता के बुलाने पर उसके यहाँ नहीं गया था। ये जानकर सीमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और इस खुशी को दिखाया गया है बरखा के द्वारा। सजना
प्यासे प्यासे मेरे नयन तेरे ही ख्वाब में खो गए। ऐसे रिमझिमे ओ सजन, प्यासे प्यासे मेरे नयन तेरे ही ख्वाब में खो गए। सांवली सलोनी घटा जब जब स्कूल मास्टर रजत गांव में सबसे अच्छा आदमी माना जाता है, अच्छे कामों के लिए जाना जाता है। चुनाव में खड़े बदमाश प्रत्याशियों को डर था कि कहीं रजत ना जीत जाए। उनमें आपस में एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ थी। उन्होंने गांव में रजत को सीमा के साथ बदनाम करना शुरू कर दिया। पंडित तर्कलंकार और भंजू ने जमींदार के यहाँ जाकर के सीमा और रजत के बारे में अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया और ये कहा कि हमने उन्हें एक साथ देखा है। सीमा जो है वो रजत के कमरे में गई थी और इस तरह से रजत को बदनाम करके वो चुनाव से बाहर करना चाहते हैं। ये बात सीमा के घर तक भी पहुंचती है और सीमा की माँ इस बात को सुनकर बहुत नाराज़ होती है। वो रजत को बुलाकर उससे कहती हैं कि सीमा से मत मिलो, ये सब अच्छा नहीं, गांव में बहुत बदनामी हो रही है। और बाद में वो सीमा को बुलाकर उसे भी बहुत डांटती हैं, कहती हैं कि गांव में इतनी बदनामी हो रही है, तुम क्यों गई थी रजत के घर। सीमा बहुत निराश हो जाती है। रजत को भी बुरा लगता है, वो समझ जाता है सारा माजरा कि ये सब किसने किया है, लेकिन रजत मजबूर है, वो कुछ नहीं कर सकता। सीमा ने सोच लिया कि जब तक चुनाव हैं तब तक वो रजत से नहीं मिलेगी। ऐसा ही कुछ उसकी सहेली ने भी उसे समझाया था। ये बात रजत के स्कूल तक भी पहुंचती है और स्कूल की मेंबर्स की कमेटी मेंबर्स की मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें वही सब लोग हैं जो चुनाव में खड़े हो रहे हैं। पंडित तर्कलंकार, भंजू बाबू, जमींदार, यही लोग इकट्ठा होकर के और स्कूल से भी रजत को निकलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचकर जमींदार पासा पलट देते हैं। वो भंजू और तर्कलंकार के विपरीत ये बात कहते हैं कि मैं स्कूल का प्रेसिडेंट हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि रजत को स्कूल में ही रहने दिया जाए, उसे ना निकाला जाए। यहाँ जमींदार तांडव अपनी अलग ही तिकड़म लगा रहे हैं। वो सोचते हैं कि मैं इस तरह से बोलूँगा तो रजत खुश हो जाएगा और अपना नाम चुनाव से वापस ले लेगा, जो उसे वोट देने वाले हैं वो मुझे वोट देंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। वो रजत को स्कूल से निकलवाने से रोक तो लेता है, लेकिन रजत उसकी बात नहीं मानता। इधर जमींदार तांडव की साली जो है अजंता, वो कहती है कि आप बसंत पंचमी में खूब बड़ा जलसा कीजिए और देखिए मैं क्या करती हूँ, सारे गांव वालों को दावत दीजिए। और जमींदार तांडव ऐसा ही करते हैं। बसंत पंचमी के दिन खूब बड़ा जलसा करते हैं जहाँ तरह तरह के खेल हो रहे हैं और वहाँ पर
इस जलसे में ही जो उनकी साली है अजंता वो नृत्य करती है। अभी नृत्य का कार्यक्रम चल ही रहा होता है कि इसी बीच बाहर से ऐलान सुनाई देता है कि पंडित तर्कलंकार ने सपना देखा है कि भगवान लक्ष्मी पद्म पोखर के किनारे आज रात दर्शन देंगी। ये बात सुनकर जितने भी लोग नृत्य देख रहे थे सभी दर्शकगण उठकर उधर की ओर भागने लगते हैं जहां तर्कलंकार अपना सपना सबको सुना रहे हैं। वो कहते हैं कि लक्ष्मी जी ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं बहुत वर्षों से पद्म पोखर में हूँ, मुझे बाहर स्थापित करो। और कहते हैं कि मैंने कहा कि मैं कहाँ से आपको टूटे फूटे मंदिर में स्थापित करूँगा। तब लक्ष्मी जी की सारी कहानी वो लोगों को सुना रहे हैं जिससे लोग भगवान के नाम पर लोग उनसे आकर्षित हो रहे हैं और उनकी बात सुन रहे हैं, वहां भीड़ लग जाती है और भजन कीर्तन होने लगता है और धीरे धीरे सच में लक्ष्मी जी की मूर्ति प्रकट हो जाती है। ये देखकर गांव वाले बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सब जो है वो पंडित जी से बड़े इम्प्रेस होते हैं। तो पंडित जी को लगता है कि अब मेरी दाल गली है, अब मुझे ही सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे। लेकिन हराधन जो है वो जाकर के भंजू बाबू को उसकी चाल बता देता है। वो कहता है कि जरा वहां खुदाई करके देखो, तब पता चलेगा लक्ष्मी जी के प्रकट होने का क्या राज है।
भंजू रात में अपने आदमी को लेकर जाता है, वहाँ खुदाई करता है, तो खुदाई में मूर्ति के नीचे उसे चने मिलते हैं और वो सारा मामला समझ जाता है कि गड्ढा करके उसमें चने डाले गए हैं और फिर उसमें पानी भर दिया गया और मूर्ति रख दी गई ऊपर से। जैसे जैसे चने फूलते गए, मूर्ति ऊपर आती गई और मूर्ति प्रकट हो गई। वो रात में ही पंडित तर्कलंकार के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। पंडित बेचारे घबरा जाते हैं तो वो भंजू को अपनी ओर कर लेते हैं और कहते हैं कि चलो ऐसा करते हैं कि हम में से कोई भी जीते, हम एक दूसरे का भेद नहीं खोलेंगे और जो भी पैसा मिलेगा उसमें उसको आधा आधा कर लेंगे। ये बात तय हो जाती है। इस प्रकार सभी चुनावी प्रत्याशी एक दूसरे को नीचा दिखाने में, अपने को ऊंचा करने में लगे हुए हैं। अब पंडित तर्कलंकार और हरिहर भंज एक साथ हैं, दोनों मिलकर भुजबल जो कि जिससे पोस्टमास्टर ने उधार लिया था अपनी बेटी की शादी में, उसके पास जाते हैं और पोस्टमास्टर निवारण के घर की कुड़की करने के लिए राजी कर लेते हैं। वो सरकारी कागज लेके आ जाता है और कुड़की करने के लिए पहुंच जाता है निवारण बाबू के घर। और इधर हराधन जो है वो एक दिन की छुट्टी लेके अपने माँ से मिलने के लिए चला जाता है। भुजबल अपने आदमियों को लेकर निवारण बाबू के घर पहुंचता है और सारा सामान बाहर फेंकवाने लगता है। ये देखकर वो लोग बहुत घबरा जाते हैं और निवारण बाबू की पत्नी जो कि बीमार हैं वो बेहोश हो जाती हैं। कुछ ही देर में अपनी चाल के अनुसार भंजू बाबू और तर्कलंकार वहां पहुंचते हैं और भंजू जो है वो कहता है कि मैं पैसे दे देता हूँ भुजबल को और ये यहाँ से चला जाएगा, लेकिन पोस्टमास्टर साहब इस बात के लिए तैयार नहीं होते। वो समझ जाते हैं कि ये पैसे इसीलिए दे रहा है कि मेरी बेटी से शादी करना चाहता है, लेकिन सारी घटना को देखकर सीमा जो है वो पसीज जाती है। वो कहती है कि मैं पैसे लूँगी, पर किसी तरह से उसके पिताजी निवारण बाबू उसे मनाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें पैसे लेके बेचूंगा नहीं। पंडित जो है वो सारा माजरा समझते हैं और अपनी दूसरी चाल चलते हैं। वो कहते हैं कि अरे पैसे देने दो, अभी थोड़ी ना तुम्हारी बेटी का कोई सौदा थोड़ी हो रहा है, वो सब तो बाद में देखा जाएगा। और इस तरह से वो पैसे दे देते हैं और भुजबल वहां से चला जाता है। इसी घटनाक्रम के बीच में सीमा जो है वो पहुंचती है मास्टर रजत के घर पर मदद के लिए, लेकिन वहां जाती है तो वहां देखती है कि जमींदार की साली अजंता वहां पे हाथ जोड़े रजत के सामने खड़ी है। वो तुरंत वहां से लौट आती है बिना कुछ बोले। Thank you.
इधर स्कूल मास्टर रजत भी जमींदार के पास जाकर पैसे लाता है निवारण बाबू की मदद करने के लिए। वो चुनाव से अपना नाम वापस ले लेता है और इसी शर्त पर जमींदार उसे पैसा देते हैं, लेकिन वो पहुंचे इससे पहले ही भंजू बाबू भुजबल को पैसे दे चुके होते हैं। चुनाव का दिन आता है। चुनाव वाले दिन अफरा तफरी का माहौल है, सब आपस में भिड़ने में लगे हुए हैं। चुनाव का मैदान जंग का अखाड़ा बन गया है। इसी बीच हराधन यानी कि सर जेसी रॉय अपनी मां के साथ वहां पहुंच जाते हैं। ये जानकर सभी को बहुत आश्चर्य होता है कि डाकिया हराधन ही सर जेसी रॉय है और उन्होंने ही गांव की तरक्की के लिए 5,00,000 रुपए दिए हैं। जब जेसी रॉय वहां का माहौल देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये कोई भी इनमें से ये पैसे लेने लायक नहीं है और वो गांव वाले से पूछते हैं कि बताओ कौन सबसे योग्य व्यक्ति है जिसको हम ये पैसे दें और गांव की तरक्की हो। सभी गांव वाले मिलकर पोस्टमास्टर निवारण को चुनते हैं। उस समय पोस्टमास्टर निवारण वहां होते नहीं हैं, वो अपने घर में होते हैं और सर जेसी रॉय अपनी माँ को लेकर उनके घर पहुँचते हैं और उन्हें 5,00,000 का चेक सौंपते हैं। पोस्टमास्टर निवारण बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि जो व्यक्ति मेरे यहाँ 1.5 महीने से डाकिया बनकर काम कर रहा था वही सर जेसी रॉय है। वो हाथ जोड़ने लगते हैं तो इस पर जेसी रॉय बोलते हैं कि हाथ मत जोड़िए, मैं तो आपके लिए हराधन ही हूँ। और इस तरह से वो चेक निवारण बाबू को सौंप दिया जाता है। चारों ओर खुशी का माहौल हो जाता है। सर जेसी रॉय की परख पूरी हो जाती है। गांव में जो परख करने आए थे कि कौन सा व्यक्ति सबसे अच्छा है जिसे ये सौंपा जाए, तो उनकी वो परख पूरी हो जाती है जब वो पोस्टमास्टर निवारण को चेक सौंपते हैं और सारे गांव में खुशी का माहौल हो जाता है। क्या हवा चली बाबा रुत बदली। इस फिल्म को 3 फिल्मफेयर अवार्ड मिले। फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार विमल रॉय को मिला, फिल्मफेयर सहायक अभिनेता पुरस्कार मोतीलाल को मिला और फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ ध्वनि पुरस्कार जॉर्ज डिक्रूज को मिला साउंड रिकॉर्डिंग के लिए। और ये फिल्म मनोनीत हुई थी बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में फिल्मफेयर में और सलील चौधरी को भी मनोनीत किया गया था फिल्मफेयर के लिए सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए। तो दोस्तों इस तरह से ये परख अब पूर्ण होती है। अंजू पांडे को दीजिए विदा। नमस्कार।